अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अब्दुल्ला हद यहाँ पे अपना अंडा छील रहा है। इसने कल का यूनिफॉर्म नहीं उतारा, ये देखें इसके काम। कहता मोहम्मद संडे है ना, और कुछ वजह ये भी है कि इसकी तबीयत खराब है। रात को इसको बुखार था थोड़ा सा, पैनाडोल, पैनाडोल नहीं है वो पड़ी थी सिरप ब्रूफेन की, वो पिलाई थी इसको रात को। तो खैर रात तो खैरियत से शुक्र है गुजर गई, लेकिन अभी भी इसकी आवाज़ बदली हुई है और सुस्ती है हल्का सा। अभी भी जिसम इसका गर्म है, तो नाश्ता करके ना फिर इसकी दवाई लेते हैं इंशाल्लाह। ये मेरा अम्मी मेरा एक अंडा है और एक अम्मी का है, और आज चाय बिस्किट और अंडा ये नाश्ता कर रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों, मेरी तरफ से भी। मैं इधर बना रही थी चाय तो उधर लुबना ने व्लॉग शुरू किया है। मैंने कहा मैं भी दुआ सलाम कर लूँ। कैसी हो सब बेटियाँ मेरी, बेटे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक की रहमत हो आप सब पे, कोई परेशानी आपके पास ना आए। औलाद की ज़िंदगी लंबी हो, औलाद नेक बने आपकी, और खुश रहो, बहुत आबाद रहो अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये देखें, ये अब्दुल्ला हाथ से एक अंडा छीलते हुए टूट गया, और ये एक उसने ये सही छीला है और ये मैंने छीला है। ये देखें, ये है बिस्किट, ये है चाय, और ये रहा मेरा अंडा। ये बैठा है अब्दुल्ला हाथ, नाश्ता कर रहा है। जिसको बुखार है ना, इस वजह से इसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, और अभी ये नाश्ता कर लेगा तो फिर दवाई ले जाते हैं। अम्मी और अब्दुल अहद भी आ गए हैं, आ गए दवाई लेकर। जी नहीं डॉक्टर बैठा अभी था। जी बैठा था, 100 पे बुखार है। इधर वो लगाया है ना इसने, इधर ऊपर आ जाओ अब्दुल अहद, मम्मा पास आ जा। टीका तो नहीं लगा था ना? नहीं, इधर माथे पे लगाया वो। 100 पे बुखार था। हाँ बुखार तो था, रात को ही था। कहते इसको रोटी आज न देना, दूध डबल रोटी और ये अच्छा दवाइयाँ, एक वजन उधर खिला के आए हैं। अच्छा घर साथ अच्छा था ना, अच्छा उधर से फिर उनके घर चले गए थे। उधर बैठ रहे हैं 1 घंटा, उधर इसको एक वजन दवाई खिलाई है। अच्छा अब तो कुछ बेहतर फील हो रहा है? बताओ अब्दुल्ला तबीयत सही है अब? टीका ना लगवाना, मुझे टीका ना लगवाना। हाँ बेटा नहीं लगवाते वो, ऐसे भी दवाई आप पी लेते हो ना तो आराम आ जाएगा। ठंडे हाथ हो जाएंगे। ये शुमाइला ने कपड़े धोए हैं अपने, तो यहाँ पे डाल गई है हमारी रस्सी पे। चलो इधर आ जाओ, लेट जाओ अब्दुल्ला, रेस्ट करो तुम, इधर आ लेट जाओ धूप में थोड़ी देर। ग्रीन टी बना रहे हैं, ये अम्मी भी पी रही हैं आज। हाँ जी ऐसे रख दे कप में। मैंने कहा मैं भी देखूं कैसी। हाँ फ्लेवर तो खैर अच्छा है, लेमन का फ्लेवर है। ये मुझे दिखाया है इसका रैपर। अच्छा ये वाला। हाँ जी ये देखें, ये है टिपॉल ग्रीन टी और इसका लेमन फ्लेवर वाला है। चलो ध्यान से बस 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 दूसरे में चले दी। ये देखें, ये है मेरी ग्रीन टी, इसने कलर चेंज कर लिया है। ये है मेरी और ये अम्मी की है, और अम्मी को इसका जायका अच्छा नहीं लग रहा है ना अम्मी? खट्टा खट्टा सा लग रहा है। अब इसको निकालना है या अभी इसको अंदर रखना है? ऐसे जीरा खिलाती रहूंगी। बस इसको काफी है, और अम्मी तो मुंह ऐसे करके पी रही है जैसे कोई दवाई पी रही है। जबरदस्ती कोई नहीं, अच्छी नहीं लगी तो मत पिए। माशाल्लाह ये देखें जी, कुरान पाक, एक नया कुरान पाक लिया है, और ये इसलिए लिया है कि मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि यूके में रहती है, उन्होंने कहा था कि मेरी तरफ से आप एक कुरान पाक लेकर मस्जिद में रख दो, पैसे उन्होंने मुझे भेजे थे। तो ये देखें, ये हमने खरीदा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे 99 नाम लिखे हुए हैं अल्लाह ताला के, और उसके बाद यहाँ से कुरान पाक शुरू हो रहा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और हम इसको अब रख देंगे, मस्जिद में रखवा देंगे, तो अल्लाह पाक उनका ये दिया हुआ कबूल करे। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उनको अजर दे। हाँ जी आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज का व्लॉग हम बिल्कुल शाम को शुरू कर रहे हैं, और वो भी दो कुक मिले हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा ने हमें खाना नहीं बनाने दिया, कहती है मैं खाना बनाऊंगी, इकट्ठे ही खा लेंगे। चावल बना रही है और गैस अब आया, अब पकाने स्टार्ट किया है, भूख भी लगी हुई है। अब नहीं जाता मेरी तरफ से भी सब बेटियों को अस्सलाम वालेकुम। खांसी भी हो गई, इसमें कुछ डालो। हाँ सादा चाइनीज कैसे, सादा भी तो खांसी भी आ गई यार बुढ़ना को तो। चावल देसी तरीके से, गैस की वजह से। हाँ जी, और धूप की वजह से। इसमें आलू, मटर, गाजर और वो बंद गोभी भी तो है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है। हाँ सब कुछ है। हाँ जी, चिकन भी है, चिकन भी है थोड़ा। हाँ शिमला मिर्च, बंद गोभी, सब कुछ है। वैसे तो वो भी है अगर डालो तो। आज शुमायला अपनी रेसिपी से बना रही है, तो शुमायला को मैं कहती हूँ वो भी है अगर डालो तो। सोया सॉस और मिक्स रेसिपी करते हैं ना कुछ, आप आइडिया दो। थोड़ा सा चिकन डालते हैं। हाँ जी, ताकि ना खुशबू हो जाए बीच की। छोटे छोटे पीस कर लिए थे मैंने, इस चाइनीज में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अम्मी भी अपने हाथ लगा रही हैं कि मैं भी देख लो। हाँ जी, तीनों का हाथ लग जाए, तीनों के हाथ लग जाए, अच्छा जायका। मेरा भी, शुमायला का भी और अम्मी का भी। हाँ जी, तो अगर अच्छे बन गए ना तो फिर क्रेडिट किसको जाएगा? क्रेडिट मुझे जाएगा। चले आपको दे देंगे क्रेडिट। आपको जाएगा ब्रेड क्वीन? नहीं नहीं आपको देंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। वैसे ये मेहनत तो ज्यादा शुमायला ही कर रही है। वो अपने घर से सब्जियां भी काट के आई थी और सब कुछ बस सब कुछ उसने ही किया है, मैं तो बस चम्मच ही हिला रही थी। हाँ जी, बंद गोभी भी धो के यहाँ पे रख दिए, और चावल जो है ना इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डालने से पहले धो लेंगे। और यहाँ पे है बिरयानी मसाला और साथ है गरम मसाला। भून के ना चीज़ों को, सब्जियों को और चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था, फिर उसके बाद शुमायला ने पानी डाल दिया था। और आज सारी रेसिपी जो है ना शुमायला की है, तो वो अपने तरीके से ही पका रही है। और यहाँ पर इसने डाला है गर्म मसाला, गर्म मसाले के एक साशे वो डाल दिया है, और उसके अलावा इसमें बिरयानी मसाला जो है ना वो भी अब ये डालेगी। और आज सब कुछ ही डाल रही है। चाइनीज़ चावल मतलब लग तो ऐसे रहते कि चाइनीज़ चावल हैं, क्योंकि सब्जियां डाल रही थी, चिकन भी डाला था, लेकिन फिर बाद में इसने बिरयानी मसाला भी इसमें डाल दिया। और नमक मिर्च भी इसने सही तरह से डाले, जैसे तेज़ डाले जाते हैं ना बिरयानी में, मतलब चाइनीज़ चावल में तो थोड़े कम होता है ना नमक मिर्च, लेकिन इसने सही तेज तेज ही डाले थे। आज शुमायला पता नहीं क्या बनाना चाह रही है, ये पुलाव है, बिरयानी है, चाइनीज है, क्या है? आज मेरा दिल कर रहा है सारा कुछ डालना चाह रही है। अब इसमें ये डालिए अचार। वाह, मतलब खट्टापन भी आ जाएगा ना, मजे का लगेंगे। पानी उबलने लगा था तो फिर यहाँ पे चावल भी डाल रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं, वो जो मैंने अम्मा जी का इंटरव्यू किया था, तो
आप लोगों की सोच देखें कि हमारे मोहल्ले में से किसी ने मेरी वीडियो देखी और उसने देख तो ली कि चलो भाई इस फैमिली का इंटरव्यू आया है, इन्होंने डोनेशन मांगी है। ज़ाहिर है एक इंसान बहुत मजबूर होकर ही आता है ना इस तरह से टीवी पर या सोशल मीडिया पर। तो हमारे उस मोहल्लेदार ने उन बेचारी अम्मा जी को मुंह पे कह दिया कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी है। यानी ये है लोगों की सोच कि लोग शर्मिंदा करना ना दूसरों को बहुत अच्छा समझते हैं। मतलब कोई झूठ तो उसमें था नहीं, अगर आप लोगों ने देख भी ली थी तो आप चुप भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, इस तरह से उनको मुंह पे कहना कि भाई हमने आपकी वीडियो देखी थी, उनको ये एहसास दिलाना कि आप लोगों ने जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी की कहानी दूसरों को सुनाई है, सोशल मीडिया पे आकर आप रोए हैं या जो भी है मदद मांगी है, तो वो हमने देखी है। और अजीब लहजे से कहना कि अगले बंदे को शर्मिंदा करना, मुझे बहुत बुरा लगा। जिसने भी ये हरकत की है ना उसको ये करनी नहीं चाहिए थी, इंसानियत के नाते उसको चुप रहना चाहिए था। एक अच्छा इंसान जो है ना वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करता, लेकिन क्या कह सकते हैं कि आजकल के लोग जो है ना इंसानियत ख़त्म हो चुकी है लोगों में। ये देखें ये छोटा सा कप चुन्ना मुन्ना सा, ये है ज़हरा का, ये हफ्ता बाजार से लिया है। नबिया का सूरज वाला फूल और मेरा ब्लू फूल है। अच्छा, वाह भाई प्यारे हैं। वैसे इसमें बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, एक छोटी सी छोटी चाय आती है थोड़ी सी, मतलब ये लो। तीसरा किसका? इसमें पानी भी इसी में पी रही है, दूध भी इसी में पी रही है, चाय भी इसी में पी रही है। भाग के गई है, अपने कप में पानी भर के आ गई। ज़ारा चावल को कितनी देर है, भूख लग रही है? मैंने बनाना है कोई। मम्मा से पूछो ना कितनी देर है। मम्मा तो अभी घर चली गई। घर भी चली गई, चावल पूरे नहीं पकाए, दम दे के गई होगी, दम पे लगा दिए बस। उसके ऊपर वो अबे क्या रख, कुंडी डंडा उसके ऊपर रख दिया है, दम पे लगा दिया होगा ना मम्मा ने इसको। मैं तो अंदर आके कमरे में बैठ गई हूँ, शुमाइला ने पकाए हैं, अब दम भी उसने दे दिया है, तो मैं मतलब अब फ्री। आज तो मैं भी खाने के इंतजार, खाने का अब इंतजार कर रही हूँ कि वो दम खुले तो बस खाएं, भूख लग रही है। चावल तैयार हो गए, ये देखें बहुत मज़े के बने थे, जायका तो बहुत ही अच्छा था, सब भी इसमें फ्लेवर आ रहे थे, चाइनीज़ भी, बिरयानी भी और अचार का फ्लेवर भी आ रहा था, बहुत यम्मी बने थे। और यहाँ पे हम सब लोग मिलके बैठ के खा रहे हैं, ये देखिए अचार भी इसमें है, चिकन भी है, मटर। बच्चों को चावल ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, बच्चे तो खूब भी कह रहे थे ये क्यों डालिए, मटर क्यों डाले हैं, ये चीज़ क्यों डाली है, वो चीज़ क्यों डाली है। चलें खैर आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपसे, अल्लाह हाफिज़।